Hello friends, welcome to my channel and fashion studio. और आज हम आपको बताएंगे कि आप डिज़ाइनर गाउन घर पे किस तरीके से बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए मैं इसके स्टिचिंग आपको इसमें बताऊंगी और डेकोरेशन किस तरीके से मैंने की है। और इससे पहले जो मैंने पिछली वीडियो अपनी अपलोड की थी उसमें मैंने आपको गाउन की कटिंग और पैटर्न बताया था कि किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए दोबारा से मैं उसका मेज़रमेंट आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम पेटी का नाप लेते हैं, किस तरह से ऊपर का पैटर्न बनाते हैं। तो आइए आप देख लीजिए एक बार। और सबसे पहले हमें जो लेंथ रखना है वो लेंथ का निशान लगाएंगे और लेंथ के ऊपर हमें 1.5 इंच का मार्क लगाना है। जैसे हमने अपनी लेंथ 16 रखी, 16 के बाद में 1.5 इंच ऊपर की साइड में एक मार्क लगाना है और सारे निशानों को सीधा खींचना है। पहला निशान हमें ऊपर से 7.5 और दूसरा निशान हमें जो है 14 पे लगाना है। और ये जो निशान लगाते हैं हम, ये अपने जो हमारा मेज़रमेंट होता है, जैसे कि हमने 16 इंच रखा है उसका निशान लगाया था वहीं से मार्क लगाते हैं। जो हमने 1.5 इंच का फालतू रखा है वहाँ से निशान नहीं लगाते। ये देखिए सारे निशानों को सीधा खींचना है। अभी हमारा जो मार्क है इन दोनों के बीच में हमें एक मार्क लगाना है। ये हमारा बैक का जो आर्म होल होता है उसके लिए हम निशान लगाते हैं, जो हमने 1.5 इंच फालतू रखा था वहाँ से, और जो हमने 7.5 इंच का मार्क लगाया था वहाँ से इन दोनों को बीच से ये निशान आता है। अब हमें अपने तीरे का नाप लगाना है कि तीरा कितना है। तो तीरे का हमें दो भागों में डिवाइड करके उसको लगाना है। जैसे कि हमारा 15 है तो हमने 7.5 लगाया और 1/2 इंच जो है वो हमारा मार्जिन का मार्क है और यहाँ पर भी हमने 1/2 इंच कम कर दिया। जैसे हमारा यहाँ 7.5 है तो हमें नीचे वाला मार्क जो है वो 7 पे लगाना होगा। इससे हमें शेप देने में मुड्ढे में प्रॉब्लम नहीं होती है। और इस तरह से शेप फंटी से आप शेप दें इसकी। उसके बाद में मेज़रमेंट के हिसाब से ये हमें मार्क लगाना है जो भी साइज है हमारा। विद मार्जिन आप साइज के अकॉर्डिंग उसको 4 भागों में डिवाइड करके नाप लगाएं और फिर इस तरह से उसकी शेप दें। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा 36 साइज आ चुका है इसका। अब देखिए कि हम इसकी शोल्डर का निशान किस तरीके से लगाते हैं। तो ये हमें 3 इंच रखना है, 1/2 इंच इसमें जो है मार्जिन रखना है। इसके बाद में हम जो है अपना नेक लेंगे यहाँ से, जो कि बोट नेक है, इस तरह से भी आप ले सकते हैं और इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ये शोल्डर स्लॉप का निशान है, तो शोल्डर स्लॉप का निशान हम 1/4 इंच पे लगाते हैं क्योंकि ये हमारी बैक है। इसके बाद में इस तरीके से हमें आर्म होल की शेप देना है इसकी। ये हमारा बैक आ चुका। अब आप फ्रंट अलग बनाना चाहें तो आप अलग बना सकते हैं, और आप अगर इसी में निकालना चाहें फ्रंट तो आप देखिए इसी में हम फ्रंट किस तरीके से निकालते हैं एक ही पैटर्न में दोनों चीज़ें। तो हमने शोल्डर स्लॉप का निशान जो है वो 1 इंच पे लगाया यहाँ से,
और हमारा शोल्डर का निशान वही सेम आया है, 3.5, 3.5 इंच मार्जिन। उसके बाद में हमने जो 1.5 इंच फालतू लिया था अपने पहले निशान में, तो उन दोनों के बीच में से हमें ये ऊपर वाला निशान है और जो हमारा ये 7.5 वाला निशान है, इन दोनों के बीच को हमें हाफ करके एक निशान लगाना होता है बीच में। देखिए इस तरीके से, यहाँ से हम जो है फ्रंट का आर्म होल निकालेंगे। तो इस तरीके से जो है ये हम फ्रंट का निकालेंगे। तो फ्रंट और बैक हमारे दोनों एक ही में आ जाएंगे। और आप थोड़ा और गहरा रखना चाहें तो थोड़ा और गहरा भी रख सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप थोड़ा और गहरा भी रख सकते हैं इसे। तो एक हमारा इसमें फ्रंट हो गया, एक हमारा बैक हो गया इसमें। अब ये देखिए, हम फ्रंट जो हमारा है तो उसका नेक हम जिस तरीके से चाहें बना सकते हैं, ये भी शेप दे सकते हैं, या आपके दिमाग में कोई शेप है तो आप वो दे सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल शेप दे के दिखा रही हूँ कि इस तरीके से फ्रंट और बैक आ चुके हैं हमारे। आप जैसा चाहें वो शेप इसे दे सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट हो गया, बैक और फ्रंट दोनों एक ही में हमने दिखाए हैं आपको किस तरीके से बनते हैं। देखिए इसकी कटिंग हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम बैक की कटिंग करेंगे। देखिए ये हमारा बैक निकल आया। अब सबसे पहले जो हम पीछे का फैब्रिक अपना काटेंगे बैक के लिए, तो वो इसी पैटर्न से काटेंगे। फ्रंट हमें पहले नहीं काटना है वरना पैटर्न छोटा हो जाएगा। देखिए इससे सबसे पहले हम फ्रंट बैक निकालेंगे और उसके बाद जो इसमें एक्स्ट्रा जो आपको ऊपर दिख रहा है एक्स्ट्रा जो है पेपर, वो निकाल देंगे, सिर्फ फ्रंट काटेंगे। देखिए यहाँ से जो है बैक निकालने के बाद हम फ्रंट निकालेंगे। तो सबसे पहले आप पूरा जो पैटर्न मैंने बनाया उस पैटर्न से आप अपनी बैक निकालिए। जब बैक आपके निकल जाए उसके बाद में उसको ऊपर से इस तरह से काटिए और उसका जो आगे का हिस्सा है हमारा पेटी का, यानी कि फ्रंट, बाकी बचा हुआ इस कपड़े से निकलेगा। तो हमारा ये रेडी हो गया। अब कटिंग के बाद हमें अपने फैब्रिक को डबल करके और उस पर इसी पैटर्न से कटिंग कर लेना है। फिर देखिए उसके बाद अगर हमें अपना वर्ड शेप में डिज़ाइनर गला बनाना है तो हम उसको वाइंड कर लेते हैं, और अगर हमें ऊपर डिज़ाइन नहीं बनाना है तो हम उस गले को जो है बुकरम में बना लेते हैं। तो देखिए सिंपल तरीके से हम इसको वाइंड करेंगे। पहले इनसाइड वाइंडिंग के बाद जो है दिखाएंगे किस तरह से हमने पेटी पे अपने डिज़ाइनिंग की है। देखिए जब भी स्ट्रेचेबल फैब्रिक हम जो है स्टिचिंग करते हैं उसकी, तो उसको बहुत ही केयरफुल करना चाहिए क्योंकि उसमें थोड़े से रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं। देखिए अब इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पर स्टिचिंग करना। अगर आप पूरे कपड़े को नीचे की तरफ जो है फोल्ड कर लेते हैं तो वो जो है आपका वाइंडिंग हो जाती है इनसाइड, और अगर थोड़ा सा कपड़ा बाहर की साइड में छोड़ जाते हैं तो वो पाइपिंग का काम करता है। तो आप देखिए इसका लुक जो है वो सेम पाइपिंग की तरह आया।
इस तरह से हम पाइपिंग लगाते हैं। नीचे की साइड में इस तरह से आएगा, देखिए जब हम इसके ऊपर डिज़ाइंस बनाएंगे तो इससे पहले जो हम अपने मुड्ढे हैं उनकी स्टिचिंग कर लेंगे। और जो हमारे आर्म होल्स हैं, अगर हमें फुल स्लीव लगाते हैं तो फुल स्लीव भी लगा सकते हैं, और कट स्लीव बनाना चाहें तो कट स्लीव भी बना लेते हैं। लेकिन ये शैनल का फैब्रिक है तो इसमें जो है वाइंड करना ज़रूरी होता है, वरना ये जो फैब्रिक है वो निकल जाता है। तो देखिए उसी तरह से हम आर्म होल में करेंगे, और जोड़ने के बाद में दोनों को एक साइड करेंगे आगे और पीछे को। देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम आपको डेकोरेशन दिखाएंगे किस तरीके से हमने की है। देखिए इसमें फ्लावर्स का यूज़ सबसे ज़्यादा किया गया है। फ्लावर्स जब हम यूज़ करते हैं किसी फैब्रिक के अंदर, तो आप अगर उसको ग्लू से पहले लगाना चाहें तो उसके अंदर बाद में जो है सुई से उसको पक्का ज़रूर कर लें, वरना वो जो है धुलाई के बाद सारे के सारे निकल जाएंगे। इसलिए आपको जहाँ जहाँ लगाना है आप पहले ग्लू से लगा लीजिए, और उसके बाद तो उसको सिलाई से पक्का कर लीजिए। या अगर आप ग्लू से नहीं लगाना चाहते हैं, खाली सिलाई से लगाना चाहते हैं, तो खाली सिलाई से लगा सकते हैं। कि इस तरीके से हमें जितने भी फ्लावर्स लगाएंगे सबको पक्का करेंगे। आप अगर चाहते हैं तो इस पर पहले डिज़ाइंस बना सकते हैं, किसी चीज़ से खाके से बना सकते हैं, या जिस चीज़ से आपको ठीक लगे आप बना सकते हैं, या अगर आप आईडिए से लगाना चाहें तो आप आईडिए से भी लगा सकते हैं। देखिए इसमें हमने काफ़ी टाइप के फ्लावर्स का यूज़ किया है। इस तरह से आपको ऊपर की साइड से शुरू करते हुए नीचे की साइड में लाना है। अगर आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं तो आप पहले चौक से निशान लगा लीजिए कि आपको कौन सा फ्लावर कहाँ रखना है, बड़ा कहाँ रखना है, छोटा कहाँ रखना है। आप एक डिज़ाइन का बेस लेके चलिए। देखिए हमें जहाँ जहाँ फ्लावर लगाना है उनके साइड में जो खांचे बसते हैं, तो उसके अंदर हम कोई भी पर्स या कोई भी डेकोरेशन का कोई भी सामान हो उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको जो बता रही हूँ वो आइडिया से बता रही हूँ, किस तरह से मैं एक आइडिया से डिज़ाइन बना के लाऊँगी। और अगर आपके समझ में ऐसे नहीं आता है तो आप प्लीज़ पहले निशान लगाइए, उसके बाद ही काम स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ग्लू के अगर निशान आ जाते हैं कपड़े पे तो उसके बाद वो जो है बहुत ज़्यादा बेकार लगता है।
और वो साफ नहीं हो पाती हैं ठीक से। तो आप सबसे पहले ये करिए कि अगर आप फ्लावर्स का बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जितनी भी फ्लावर्स हैं उनको तरह तरह से रख के देखिए कि किस तरह से कौन सा डिज़ाइन सही बैठेगा, और उसके बाद में निशान लगाइए, उसके बाद में जो जहाँ पर आएगा उसको वहाँ रखिए और बाद में ग्लू का काम कीजिए। देखिए मैंने आपको डिज़ाइन बना के दिखाई है किस तरीके से ये बनेगी, आपको आइडिया दिया है पूरा और समझाया है कि इस तरीके से आप ऊपर से लेके नीचे की साइड में डिज़ाइन लेके जाएं अपनी पूरी। पूरे डिज़ाइन मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने जो आपको दिखाया उसके आइडिया से आप बनाएं। ये देखिए फुल लुक बनने के बाद इसका ये आएगा, और ये आप बनाने के बाद में जो है इसको पहले बढ़िया करके सुखा लीजिए, उसके बाद ही इसको उठाएं, वरना आपका डिज़ाइन सारा का सारा बिगड़ जाएगा। और जब आपका ये सब सूख जाता है ग्लू का, तो उसके बाद में आप एक एक फूल को अलग अलग करके पक्का कर लीजिए। सही और धागे से आप उसको पक्का कर लीजिए, उससे यह है कि आपका ये डिज़ाइन कभी भी पानी के धोने के बाद भी कभी ख़राब नहीं होगा। और अगर आप ग्लू से ही खाली डिज़ाइन बना के बस पहन के चले जाएंगे, तो आप जब भी वॉश करेंगे इसको तो आपका ये सारा का सारा मटेरियल है ये सारा निकल जाएगा। ये देखिए कि किस तरीके से हमने अब इसके नीचे का फ्लेयर का यूज़ किया है, फ्लेयर उसी तरीके से हम बनाएंगे इसका जिस तरीके से हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था किस तरीके से बनाया था। येलो कलर का जो गाउन था उसका सेम उसी तरीके से बनाएंगे इसका भी। आपको जितने इंच की इसके अंदर नीचे फ्रिल लगाना है आप उतने इंच की आप पट्टियाँ काट लीजिए सारी, और देखिए कितनी आपकी जो है उसका फ्लेयर की चारों साइड की जो गोलाई है उस हिसाब से आप जो है पट्टियाँ काटिए, और उसके बाद में एक साइड से उनको इस तरह से गैदरिंग देके कंप्लीट कीजिए। सारी हमें जो अपना फ्लेयर है उसमें एक साथ लगाने के लिए सारी पट्टियों को एक साथ पहले जोड़ लेना है, और उसके बाद में एक साइड जिसमें गैदरिंग देते हुए लाना है, उससे आपको बार बार पट्टियाँ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आप सारी काट लीजिए और सारी जोड़ने के बाद में गैदरिंग दीजिए। देखिए इसमें गैदरिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमने अपनी पूरी फ्रिल जो है वो रेडी हो चुकी है हमारी, तैयार कर ली है। अब इसको एक साइड से जो है फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, आप गैदरिंग से पहले फोल्ड करना चाहें तो गैदरिंग से पहले फोल्ड कर सकते हैं इसको, बाद में करना चाहें तो बाद में कर सकते हैं। देखिए अब इसकी जो नीचे की साइड है उस पर मैं गोटे का यूज़ करूँगी। ये हमारी फ्लेयर का जो नीचे का पूरा घेरा है इसके नीचे आएगा,
देखिए इस तरीके से। देखिए नीचे का हमारा फ्लेयर है पूरा। इसकी सबसे पहले हमें साइडों से सिलाई करना है, दोनों साइडों से सिलाई करके नीचे में जो हमने फ्रिल बनाई थी वो लगाना है। देखिए हम अपने फ्लेयर के अंदर जो हमने फ्रिल बनाई है उसको ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हमें अपने फ्लेयर है वो दोनों साइडों से सिल लेना है, क्योंकि उसके दोनों साइड जब ज्वाइंट हो जाएंगे तो राउंड राउंड आ जाएगा, और फिर एक तरफ से लेके आगे से लेके पीछे तक जो हमें फ्रिल लगा लेंगे उसके अंदर। देखिए हमारी फ्रिल लग के कम्प्लीट हो गई है। अब हम इसका जो जॉइंट है, जो हमारा फ्लेयर है और जो हमने फ्रिल लगाई है उसके बीच का जो जॉइंट है उसके ऊपर हम गोटे का यूज़ कर रहे हैं, पतला वाला जो होता है। ये भी हमें चारों साइड में लगाना है अपना। नीचे का फ्लेयर हमारा रेडी हो चुका है। देखिए अब इसके अंदर हम जो ऊपर की पेटी हमने बनाई थी वो अटैच कर लेंगे। ऊपर की पेटी हम जो है राउंड राउंड करके अटैच करते हैं, उसी हिसाब से ऊपर की पेटी अटैच कर लो इसमें। देखिए हमारी पेटी जो है उसके अंदर अटैच हो गई है फ्लेयर के अंदर। देखिए किस तरह से हमने इसकी आस्तीन बनाई है। अगर आप कट स्लिप रखना चाहें तो कट स्लिप रख सकते हैं, और आप जो है नेट की स्लिप भी बना सकते हैं इसके अंदर। या अगर आप नेट की बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए इसका जो स्लीव है उसका मेजरमेंट भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ किस तरह से मैंने बनाया है, पैटर्न आपको दिखाया था बना के पिछली वीडियो में, तो आप उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है स्लीव अपनी कटिंग करें। देखिए स्लिप के नीचे साइड में भी हमने गोटे का यूज़ किया। अब इस तरह से हमें दूसरी सिलाई लगाना, पहले एक साइड से सिलाई फिर दूसरी साइड से। इससे हमारी स्लीव में जो गोटा है वो बिल्कुल ही अटैच हो चुका है बढ़िया तरीके से।
अब एक लेस के बाद जो है 1 इंच की दूरी पे या 1.5 इंच की दूरी पे जैसे आपको अच्छा लगे दूसरी लेस लगाइए। सेम उसी तरीके से बॉर्डर लगाने के बाद में जो है वो हम उल्टी करके इसको सिलाई कर लेंगे जिस तरीके से करते हैं। देख लीजिए हमारा फाइनल लुक ये आया है इसका। गाउन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऊपर से लेके नीचे तक आप देख सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर। बाय बाय।